प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन पार्ट वन के उन दोस्तों के लिए है जो इस बार 2019 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं पार्ट वन का। तो फाइनली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से एग्जामिनेशन डेट और सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है और कौन से तिथि को आपका एग्ज़ाम होगा सभी चीज़ के बारे में जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 22 तारीख का इन्फॉर्मेशन है अर्थात आज का। यहाँ पे पार्ट वन एग्जामिनेशन 2019 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये चाहे वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट हो या जनरल स्टूडेंट हो या वोकेशनल स्टूडेंट हो, सभी के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर जनरल वाले का रूटीन कब आएगा, तो दोस्त सभी चीज़ का रूटीन इसी में होता है और इसी से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ग्रुप वाइज आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए में जो है साइकोलॉजी केमिस्ट्री है, ग्रुप बी में है हिस्ट्री उर्दू और AIH एंड सी और संस्कृत। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी में है कॉमर्स मैथमेटिक्स म्यूजिक ड्रामिस्ट LSW मैथिली। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप डी में है पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स हिंदी। उसके बाद ग्रुप ई में है साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स जूलॉजी होम साइंस। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप एफ में है ज्योग्राफी आर इकोनॉमिक्स ये फिलोसफी। इसके बाद पर्सन वॉटनी इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप दिया गया है, ये ऑनर्स आप कौन कौन से ऑनर्स रखे हैं इसके हिसाब से है। तो आप जो भी ऑनर्स रखे होंगे उसके हिसाब से आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सब्सिडरी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं पूरे चीज़ अगले वीडियो में डिटेल में बताऊँगा जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा कि कब आपका एग्ज़ाम है और कब कौन से इस ऑनर्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे देखिए एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। यदि आप समझदार हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे ग्रुप ए में आपका ऑनर्स है तो सही है। तो देखिए ग्रुप ए में जैसे साइकोलॉजी है, इसके बाद केमिस्ट्री है। तो ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा पेपर वन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10/6/2019 को पेपर वन का ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा, वो भी साइकोलॉजी और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए। आप इस प्रकार से खोज सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्रुप ए कहाँ है, तो ग्रुप ए 13 को है। तो 13 को ग्रुप ए है, पेपर टू का आपका एग्ज़ाम होगा 13 को, ये ऑनर्स का है। वैसे ही खोजिएगा ग्रुप बी का, तो ग्रुप बी में हिस्ट्री उर्दू AIH होता है, NC होता है और संस्कृत होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड सीटिंग में है और जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट है उसका फर्स्ट सीटिंग में है। तो इस प्रकार से ऑनर्स आप खोज सकते हैं। उसके बाद सब्सिडरी तो आसान होता है खोजना, और इसके बारे में भी बताऊँगा। सब्सिडरी जैसे देखिए 18/6 को सब्सिडरी का एग्ज़ाम होगा, वो भी RB नॉन हिंदी का होगा, वो भी साइंस कॉमर्स वोकेशनल वाले स्टूडेंट के लिए। MB मैथिली और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा जाता है 50 हिंदी 50 मैथिली 50 हिंदी 50 इंग्लिश 50 हिंदी 50 इंग्लिश और उर्दू बंगाली नेपाली जो भी रखते हैं। उसके बाद देखिए RB हिंदी का है सेकेंड सिटिंग में। जो स्टूडेंट साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो 100 का हिंदी रखे होंगे या 100 का म्यूजिक रखे होंगे या 100 का ड्रामिस्ट रखे होंगे, तो इसके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से खोज लेना है। और देखिए यहाँ पे सेंटर लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को मैं धीरे धीरे इस लिस्ट को इंस्टॉल करता हूँ और आप लोग धीरे धीरे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे CM साइंस कॉलेज में कौन कौन से स्टूडेंट का सेंटर हुआ है, तो कौन कौन से कॉलेज का देखिए यहाँ पे KS कॉलेज जो लहरियासराय दरभंगा का है। उसके बाद MKS कॉलेज जो दिया गया है वो भी दरभंगा का है। उसके बाद यहाँ पे जो QAD कॉलेज है जो जाले दरभंगा का है वो उसका भी है। और चार नंबर में है कि और भी कोई कॉलेज होगा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जिसका सेंटर नहीं मिलेगा तो इसमें भी रिमेनिंग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप जो भी कॉलेज से हैं, जैसे RBJ कॉलेज है, देखिए सकते हैं RBJ कॉलेज में MMTM कॉलेज दरभंगा का सेंटर हुआ है। इसके बाद SB कॉलेज परी दरभंगा का सेंटर हुआ है। आप RBJ कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं, बेलाल्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों RK कॉलेज मधुबनी में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो आप यहाँ पे RK कॉलेज मधुबनी में देखिए सबसे पहले KBS साइंस कॉलेज जो उचेट में है उसका सेंटर हुआ है। उसके बाद KSJ कॉलेज राजनगर में उसका सेंटर हुआ है। तीन नंबर में है BM कॉलेज जो रेखा का है उसका सेंटर हुआ है। चार नंबर में RN कॉलेज जो है पंडोल उसका सेंटर हुआ है। पाँच नंबर में है RNJD कॉलेज जो मधवापुर मधुबनी में है उसका सेंटर हुआ है। और छः नंबर में और भी कॉलेज जोड़ा जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों और भी अब यहाँ पे आ जाते हैं
एक और कॉलेज आपका DNY कॉलेज देख सकते हैं। DNY कॉलेज में दो कॉलेज का सेंटर हुआ है, DNY कॉलेज मधुबनी में। यहाँ पे जो है SNKM कॉलेज और आपका JMDPLM कॉलेज जो मधुबनी का है उसका सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब आपका कॉलेज जहाँ भी है इसमें आप अपना कॉलेज खोज सकते हैं या सेंटर लिस्ट के हिसाब से खोज सकते हैं। 34 सेंटर दिया गया है पूरे पार्ट वन के, पूरे 34 सेंटर दिया गया है और पूरे 34 सेंटर में ही आपका एग्ज़ाम होगा और आपका जो भी कॉलेज है आप इस प्रकार से खोज सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको बहुत सारे दोस्त बता रहे थे कि सर कब आएगा, तो मैं बता दिया कि आपका जिस प्रकार से अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में इससे अच्छा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।